बुलेटिन की करते हैं शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हां, और इसके अलावा बता दें आपको कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी नरेंद्र गिरी से की थी मुलाकात। मेला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों में मचा हड़कंप। नरेंद्र गिरी के संपर्क में आए सारे संत सारे अधिकारी आइसोलेट हो गए हैं। अब शाही स्नान में भी नरेंद्र गिरी हिस्सा नहीं ले सकेंगे। जी हां, वजह है उनका कोविड पॉजिटिव पाया जाना। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रविवार सुबह ही महंत नरेंद्र गिरी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात भी की थी। वहीं शाम को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तो इसके बाद इस खबर के तुरंत बाद संतों के बीच मिले प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के बीच हड़कंप मचना तय था। जाहिर सी बात है हुआ भी कुछ ऐसा ही। महंत नरेंद्र गिरी और उनके संपर्क में आए हुए सभी संतों और सभी अधिकारियों को आइसोलेट होने के लिए कह दिया गया है। वहीं अब संपर्क में आए सभी संतों और अधिकारियों की कोविड जांच भी की जाएगी। सभी के सैंपल्स लिए जाएंगे। कहीं उनमें से किसी को कोरोना ने अपनी संक्रमण में तो नहीं ले लिया, इस बात की पुष्टि की जाएगी। महंत नरेंद्र गिरी का कहना है कि उनकी तबीयत ठीक ना होने की वजह से वो शनिवार को अस्पताल में भर्ती हुए थे, लेकिन वहां उन्हें ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए वो अखाड़े में आ गए थे। शाम को उन्हें पता चला कि वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद वो तुरंत आइसोलेट हो गए। वहीं कोरोना पॉजिटिव आ जाने के बाद अब महंत नरेंद्र गिरी सोमवती अमावस्या और मेष संक्रांति के शाही स्नान में भी हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इसके अलावा नरेंद्र गिरी के संपर्क में जितने संत जितने अधिकारी आए उन सभी ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। यही नहीं, आइसोलेट होने के साथ साथ अब उन सभी के सैंपल्स भी लिए जाएंगे। ब्लड सैंपल लेते हुए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कहीं कोरोना का संक्रमण उनमें भी तो नहीं फैल चुका। नरेंद्र गिरी के संपर्क में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आए थे, जिसके बाद जाहिर सी बात है वहां पर हड़कंप मचना तय था। ये देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मेला प्रशासन पुलिस अधिकारियों में हड़कंप मचने की खबर है। नरेंद्र गिरी के संपर्क में आए सभी संतों को अधिकारियों को आइसोलेट होने के साथ साथ अपनी जांच करवाने के लिए भी कह दिया गया है। अब इन सभी के ब्लड सैंपल्स लिए जाएंगे ताकि कोरोना संक्रमण की उनमें स्थिति स्पष्ट हो सके कि संक्रमण उन्हें हुआ है या फिर नहीं, क्योंकि तमाम लोगों ने नरेंद्र गिरी से हाल ही में मुलाकात की थी। नरेश तोमर हमारे साथ संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। नरेश, नरेंद्र गिरी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद वहां किस स्तर तक हड़कंप मचा हुआ, क्या कुछ वहां पर हलचल इस समय देखने को मिल रही है? तमाम संत तमाम अधिकारी यहां तक कि अखिलेश यादव भी नरेंद्र गिरी के संपर्क में आए थे, क्या अपडेट इसके मद्देनजर? कैसे इन्हें आइसोलेट करने की तैयारियां चल रही है? निश्चित रूप से शिल्पा कुमार, देखिए आपको बता दें जिस तरह से लगातार जो है कोरोना के मामले लगातार हमने और बढ़ते जा रहे हैं। आज भी 372 मामले आए हैं, वही कल शाही स्नान है, और ऐसे में बड़े संत अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी का कोरोना पॉजिटिव आना बहुत हलचल बढ़ा रही है, संतों में हलचल बढ़ गई है। साथ ही बात करें कई संत कोरोना पॉजिटिव है, ऐसे में संतों का कल शाही स्नान है, उस सभी बाल गहरा गए हैं। वही मुख्य चिकित्सा अधिकारी शंभू कुमार झा से जब हमने आज बात करी तो उन्होंने इसी की पुष्टि की। निश्चित रूप से देखिए जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव आने के बाद आज जो है पूर्व सीएम उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव भी पहुंचे और वो अखिलेश यादव से मिलके नरेंद्र जी से मिलकर जो आज यहां पर गए हैं उनकी फोटो लगातार सोशल मीडिया वायरल हो रही है। जिस तरह से संत लगातार कोरोना पॉजिटिव है, ऐसे में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मिलकर पहुंचे हैं। तो निश्चित रूप से देखिए जिस तरह से शिल्पा लगातार जो कोरोना के पेशेंट है यहाँ संक्रमित है ऊंची दूरी लगातार कहते हैं, लेकिन जिस तरह से एक बड़े राजनीति में सक्रिय रहने वाले नेता या एक बहुत बड़े संत अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी, वो क्या संदेश दे रहे हैं कि जब उनको कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं और होम क्वारंटाइन हो गए हैं तो वो क्यों मिल रहे हैं? तो इनकी उससे जिस तरह से कल स्थिति स्पष्ट करें, अखिलेश यादव से मुलाकात करने से पहले क्या नरेंद्र गिरी ने अपना सैंपल दे दिया था? क्या उन्हें पता चल चुका था कि वो कोरोना पॉजिटिव है या फिर वो सैंपल की रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे थे? शिल्पा आपको बता दें जब नरेंद्र गिरी उसके पहले उनकी रिपोर्ट आ चुकी थी और कोरोना पॉजिटिव उनको बता दिया गया था कि आप कोरोना पॉजिटिव है। उसके बाद जो है अखिलेश यादव उनसे मिले, जब ये उनको जो फोटो है सोशल मीडिया वायरल हो रहा है और शंभू कुमार झा जो सीएमओ है हरिद्वार है उनसे हमने जान लिया था। उसके बाद ही जो है पूर्व सीएम उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव नरेंद्र गिरी से मिले जी। शिल्पा,
लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही आखिरकार अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की तरफ से कैसे बरत दी गई? आखिरकार अपनी जान की परवाह ना करते हुए दूसरों की जान को भी खतरे में डाल देना। लेकिन शिल्पा, जिस तरह से अभी 3 दिन पहले जब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने वार्ता के दौरान बताया था कि कोई कोरोना नहीं है, सिर्फ जो बॉर्डर पर श्रद्धालुओं को आने दिया जाए। हाँ। और जो श्रद्धालुओं को प्रशासन रोक रहा है वो रोकना नहीं चाहिए, श्रद्धालुओं को बेरो टोक आदेश ले देने चाहिए। हालांकि उनको 72 घंटे कोविड रिपोर्ट लानी चाहिए, लेकिन वो खुद नहीं जानते थे, वो खुद कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे। अब लगातार जो है, जिस तरह से संतों का कोरोना पॉजिटिव होना लगातार बढ़ता जा रहा है, तो आने वाले शाही स्नान जो 12-14 को होने हैं, उनका गैस संकट भी गहरा गया। जी जाहिर सी बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका नरेश तोमर इस पूरी जानकारी को हम तक पहुँचाने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।